আসসালামু আলাইকুম হেবা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেসি হ্যায় হেবা, আপ ঠিক হ্যায়? জি গুড। আচ্ছা, আজ হাম আপনা স্টিল লাইফ করেঙ্গে আর ইয়ে অ্যাক্রিলিক সে বনেগি। ফার্স্ট অফ অল হাম ইসকো উস পর আপনে স্কেচ পে ড্র করেঙ্গে, স্কেচ পেপার পর, ঠিক? উসকে বাদ হাম ইসকো ট্রান্সফার করেঙ্গে আপকে ক্যানভাস কে উপর, ঠিক হ্যায়? और एक्रिलिक पेंट हो, फर्स्ट ऑफ आपको चाहिए पेंसिल, रूलर, इरेजर, स्मॉल बिग रूलर दोनों चलेंगे, ठीक? चले जी। अब हम ये हमारा सेम साइज है आपके कैनवस का, ए फोर साइज, इसलिए मैं तो ऐसे ही करूंगी कि सीधा सीधा ये रूलर से ही यहां से ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट पेंसिल आपने यूज करनी है ताकि जब हम उसको इरेज करें तो उसका फिर आसानी से वो इरेज हो जाए। मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी पिक्चर सेंटर में किस तरह आएगी, ठीक है? ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम सीधा यहाँ से और सिर्फ 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से, और ये अब सही है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यहां से हमने छोड़ा उसको 3 सेंटीमीटर। दोबारा देख लें, ये देखें, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि हमेशा जो है ना पहले रफ पे कर लेना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ जी हमने कैनवस पर क्या करना। 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक? यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, दोनों साइड से हमने 4 सेंटीमीटर छोड़ा है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर। अब ये जब आया है ना, अब आपने यहां से इसको यहां तक ड्रॉ कर दिया, इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास आ गई है तकरीबन 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर इसको यूज कर,
ये देखें, जब ये आप ये मैंने ये दिया था, अभी ये मैंने अपना ये व्हाइट ब्रश लिया है, अब के पास जो भी है ब्रश, मैं वैसे ये प्रेफर करूंगी कि आपके ये जो ब्रश है ना, ये वाला ठीक है, नंबर 6 ब्रश हम यूज कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा वाइड है ये, ठीक है, ये अच्छा था। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज बनता है आपको, ये जैसे ये ना, ये पेंट आपको लग रहा है कि जगह जगह ऐसे इकट्ठा सा हो जाते, क्लॉट से बन जाते ये, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अपने टोटल ये ड्राई ब्रश यूज करना है। अच्छा, इसको ठीक है, अब इसका क्या करते हैं साहब, अब आप इसको कलर को जो है इसको ऐसे थोड़ा, ये आपकी ये पेंटिंग को स्मूथ करने के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है। ये देखिए कितना फर्क पड़ता है एकदम से, आपके कलर जो है, जैसे वो हमारी वो सनफ्लावर वाली पेंटिंग में हुआ था कि जी वो कलर्स जो थे बहुत सारी जगह इकट्ठे हो गए थे, ठीक है ना। अब पेंट जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसको ये ड्राई ब्रश लेकर तो ऐसे इसको स्प्रेड करते हैं। अब मैं बिल्कुल स्मॉल ब्रश अपना यूज कर रही हूँ, फ्लावर बर्ड्स हैं उनके लिए। ऐसे देखें हिबा, यूं करें ना, आपकी आपका ये जो ब्रश है ना, ये ब्रश इसको आप जब एज पे पहुंचे ना, तो आप इसको ऐसे स्लोली इसको ऐसे लेकर जाए, ताकि आपके एजेस जो है ना वो क्लियर हो। चलिए ये हो गया, अब मैंने ये थोड़ा वाइट लिया है इसमें से, अब ये देखिए कि मैंने इसको सारा, जैसे हमने ये कलर मिक्स किया था, ये मिक्स किया था और ये मिक्स किया था, अच्छी तरह मिक्स किए थे, इसको मैंने इतने मिक्स नहीं करना, मैं यहाँ से ये थोड़ा के पेंट लूंगी, यहाँ से थोड़ा व्हाइट लूंगी, और अब आप ये देखना, ये गौर से देखना है इसको, ये मैंने इसको ऐसे बस देखा ना, ये खुद ब खुद ही कहीं पर ये ज्यादा पिंक आ रहा है, कहीं पर व्हाइट आ रहा है, और मतलब खुद ब खुद आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ही इसको मिक्स कर लूंगी ना इस जगह पर ही, तो वो चीज नहीं आएगी। अब मैंने ये थोड़ा लिया, ठीक है जी, ऑलरेडी मेरे ब्रश में है थोड़ा व्हाइट, और मैं इसको ऐसे, हो गया, दिखाएं। अच्छा, गुड, वेरी गुड, पर एजेस से मैं अभी भी हैप्पी नहीं।